जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है IBPS की तरफ से। IBPS में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फुल सिलेबस इसके बताएंगे, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला है ऑफिशियली तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना अपने किसी भी ब्राउजर गूगल सर्च बार पे, वहां पे आकर आपको सर्च कर लेना है ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा ऑल जॉब्स फॉर यू। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके पेज पे आ जाएंगे और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस पेज पे आएंगे आपको आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्स न्यू में और ऑनलाइन फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएगा IBPS ऑनलाइन फॉर्म 2020। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स नीचे आएंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको IBPS मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब होगा, 9640 पोस्ट टोटल है। इसमें ऑल इंडिया में कहीं से भी होंगे, स्टेट वाइज इसमें वैकेंसी है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं दिखा दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया, आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। जैसे नीचे आएंगे और भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एज लिमिट के बारे में और भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई, यानी आज ही से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 21 जुलाई 2020 तक ये फॉर्म भरा जाएगा और इसका लास्ट पेमेंट डेट 21 जुलाई रहेगा। 12 अगस्त को आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड आएगा, जी हाँ फ्रेंड्स। और उसके बाद आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग एग्ज़ाम डेट आपका होने वाला है 24 से 29 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फ्रेंड्स प्री एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त में और इसकी पूरी जानकारी आपको सारे डेट जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बताया गया है, तो आप ये देखकर आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली नोटिफिकेशन के आगे क्लिक करने वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका जो PDF है डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखिए ये डाउनलोड होगा, अभी ओपन हो रहा है। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके पूरी वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा और स्केल 1, 2, 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर का है और यहाँ पर स्केल 1, 2, 3 ग्रुप बी ऑफिसर का है, असिस्टेंट का है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे RRB नेम मिल जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट हेड ऑफिस देखने को मिल जाएगा, स्टेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपका लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का है और यहाँ का जो हेड ऑफिस है यहाँ पर रहेगा और उसके बाद इसका तेलंगाना स्टेट है और यहाँ पर तेलुगु इसका जो लैंग्वेज है। ऐसे ही आप आकर के यहाँ पर देख सकते हैं आपका लैंग्वेज आपको सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताई गई है कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नीचे आएंगे एज लिमिट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका एज लिया जाएगा 1/7/2020 तक का ही लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताइए ऑफिसर, जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए आपका एज क्या रहने वाला है, 21 से 40 वर्ष रहने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 3/7/1980 से 30/6/1999 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑफिसर स्केल 2, यहाँ पे मैनेजर का जो 21 से 32 वर्ष के बीच में अगर आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज इसका लिया जाएगा 3/7/1988 से 30/6/1999 इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही आकर के आप अपना एज देख लीजिएगा। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा, एज में छूट भी आपको मिल जाएगा। जैसे कैटेगरी वाइज SC ST को 5 ईयर्स के, OBC को आपको 3 ईयर्स का छूट भी मिल जाएगा। और भी यहाँ पे बैकवर्ड क्लास का है आप देख सकते हैं आप छूट मिल जाएगा और एक सर्विसमैन का भी आपको छूट दिया जाएगा इसमें। जैसे नीचे आएंगे और भी इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो इस पर इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है मैं इस पर बात कर लेता हूँ।
अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस लगेगा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको पोस्ट नेम देखने को मिल जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो जैसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिसर असिस्टेंट का है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इसमें मांग है। किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पास हो और जहाँ से आप पास हो वहाँ पे जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। उसके बाद इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 का है, असिस्टेंट मैनेजर का, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया और इसमें भी आपका कंप्यूटर नॉलेज लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2, यहाँ पे जनरल बैंकिंग मैनेजर आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिसर मैनेजर, और इसमें भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और हम मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑफिसर स्केल 2 का, तो इसमें टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट आएगा और इसमें बैचलर डिग्री अगर किसी भी बोर्ड से आप पास हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे कम्युनिकेशन और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से पास हैं तभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस लगेगा, मिनिमम आपको यहाँ पे 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे C++, जावा, VB का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और भी चार्टेड अकाउंटेंट का भी है, इसमें भी 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। लॉ ऑफिसर का भी है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप यहां से आकर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 का भी है, सीनियर मैनेजर का भी है, इसमें 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री 50% मार्क्स आपको पास हो, लॉ का होना चाहिए, इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको अपना क्वालिफिकेशन कहीं से इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास हो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए और रेगुलर से आप पढ़े होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपसे बात कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं ऑफिसर स्केल का 1, 2, 3 का जो रहने वाला है 175 रुपये, SC ST PWD का रहने वाला है, वहीं अदर कास्ट का जनरल OBC का रहने वाला है 850 रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिसर असिस्टेंट का सेम यही रहने वाला है, SC ST OBC का, PWD का 175 रहने वाला है, 850 रहने वाला है अदर कैंडिडेट का। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑफिस असिस्टेंट का, तो यहाँ पर आपको नेम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मीडियम एग्जाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपका समय देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑफिस असिस्टेंट का, तो यहाँ पे रीजनिंग में आपको इसमें मीडियम अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट आपका समय रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है न्यूमेरिकल से भी सेम यही है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा और समय आपके पास 40 मिनट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 का भी यहाँ पे आपको दिया गया, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 40 क्वेश्चन का 80 टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट, इसमें भी आपको समय दिया जाएंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स मेन एग्जाम आपको यहाँ पे बताई गई, आपको देख सकते हैं इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल एविडेंस रहेगा, इंग्लिश का लैंग्वेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल आपको 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे आपका समय रहेगा मेन एग्जाम का है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का ये भी आपको यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे आप देख सकते हैं बिहार का और आपका लैंग्वेज आपको बताया गया, जैसे फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश हिंदी तेलुगु में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश का था फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश और हिंदी में आ सकता है, बिहार का हिंदी इंग्लिश में आ सकता है, असम का इंग्लिश हिंदी असमी में आ सकता है। तो ये आपका लैंग्वेज है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यही मीडियम इसमें से कोई रहेगा। कर्नाटका है, सारे स्टेट का है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का भी है, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, ऑफिसर स्केल 2 का रहेगा, जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, इसमें भी आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका समय रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स ऑफिसर स्केल 2 का भी है, सेम है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आसानी से आकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे निगेटिव मार्क्स के बारे में भी आपको बताया गया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 भाग काट लिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपको इसमें से काट लिए जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर गलत नहीं करते हैं, तो इसके लिए कोई क्वेश्चन आपको कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा।
और भी ऐसे नीचे आएंगे इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप आ करके पढ़ सकते हैं, इन पर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है। और यहाँ पर नीचे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले डेट बताया था सेम वही डेट है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा पूरी जानकारी पूरी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ रहने वाला है। तो इतना ही बताना था आपको इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी का कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।